नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। बात करते हैं आज की खास खबरों की। आज यानी कि 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू हो गया है। यह नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज नए वित्त वर्ष के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। वहीं आज से सोने और ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% हो गया है। इससे कीमतें काफी बढ़ सकती है। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाइयां भी महंगी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों सेनाओं की कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस से पहले ही नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर वापस दिल्ली जाना पड़ा। वे स्पेशल प्लेन से दिल्ली रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले कॉन्फ्रेंस और उनकी सुरक्षा से जुड़े 1300 कर्मचारियों अधिकारियों का कोविड टेस्ट हुआ, जिसमें से 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को ड्यूटी से हटा दिया गया है। किसी में गंभीर लक्षण नहीं है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में बीते दो दिनों में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। हिंसा थम गई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बंगाल, बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल के हावड़ा में जांच CID के हवाले है, लेकिन NIA जांच की मांग की जा रही है। यहां 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बिहार के नालंदा से 27 जबकि सासाराम से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम में फिलहाल इंटरनेट बंद किया गया है। यहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार रात दंगे करने वालों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजधानी भोपाल में शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में अखंड भारत की मांग उठी। सम्मेलन में पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत में मिलाने की मांग की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने इस मांग को और बल दे दिया है। संघ प्रमुख ने कहा कि समझदार को इशारा काफी है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई, हांगकांग, थाईलैंड, UK, स्पेन सहित करीब 16 देशों के लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश में आज से कई बड़े बदलाव होंगे। इसमें प्रमुख रूप से शराब के 2500 से ज्यादा अहाते बंद कर दिए जाएंगे। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश भर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी ओर महंगाई का असर भी बढ़ेगा, क्योंकि टोल वाली सड़कों से गुजरना महंगा हो जाएगा। टोल रेट में 7% तक की बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने से प्रॉपर्टी भी महंगी हो जाएगी और इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिल जाएगा। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिकल होल मार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।